नमो रियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो वज्रायणम नमो लोये त्रिकालवर्ती सवसवणम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल्य मंगल्यम सर्व कल्याणकारकम् प्रदानम सर्वधर्माणम् जैनम जयतु शासनम् ओंकार बिंदु संयुक्तम् नित्यं ध्यायन्ति योगिना कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिते अज्ञानतिमिरान्धानां नानाजन्यशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः आत्मा ज्ञानं स्वयं ज्ञानं ज्ञानादन्यत् करोति किं परभावस्य कर्तात्मा मोहोऽयं व्यवहारिणं मंगलमयमंगलकरं वीतरागविज्ञान नमोता हि जाते भये हरिहंतादिमहान् ओम नमस्ते देव्य नमस्ते देव्य नमस्ते देव्य। भरत क्षेत्र में पूज्य गुरुदेव श्री के पूर्व और एक महान ज्ञानी धर्मात्मा सौराष्ट्र काठियावाड़ में जन्म लेकर भरत क्षेत्र के अंदर में कुंकुन आचार्य भगवान का मार्ग यानी समयसार परमागम का हृदय जिन्होंने खोला, ऐसे पूज्य श्रीमद राजचंद्र जी का आज 153वां जन्मदिन है। आदरणीय चेतन भाई ने श्रीमद जी के जीवन के संबंध में, तत्व के संबंध में, उसकी रचनाओं के संबंध में, उसके ज्ञान संबंध में, उसके अध्यात्म के संबंध में विस्तृत बात मुमुक्षु समाज को बताई, तो अपन संक्षिप्त में कुछ क्षणों के लिए श्रीमद जी की कुछ बातें को याद करते हैं, क्योंकि वो एक ऐसे पुरुष हुए जिन्होंने अकेले हाथ से, जिसे गुरुदेव श्री ने स्वयं को अपने हाथ से ही अपने आत्मा की अनुभूति प्राप्त की, निमित्त में समय सार जी परमागम था, उसी तरह से कृपालु देव के जीवन के अंदर में भी उनके सम्यक दर्शन के अंदर में निमित्त समय सार जी परमागम था, जिससे गुरुदेव श्री को कोई गुरु नहीं मिले थे, ऐसे श्रीमद जी को भी कोई गुरु नहीं मिले थे। उन्होंने अपने संबंध में ऐसा कहा कि भरत क्षेत्र के अंदर में भारत देश में गुरु को खोजने के लिए हमने सब जगह नज़र घुमा ली, लेकिन कहीं पे हमें सत्पुरुष नहीं मिले। जब उसने सर्वसंग परित्याग की चर्चा की कि वितराग की गद्दी पर बैठने योग्य सर्वसंग परित्यागी मुनिराज ही उनके योग्य है, लेकिन ऐसा पुरुष भी भरत में हमें कहीं दिखता नहीं है, तो घूम फिर के उसकी दृष्टि लिखने वाले के ऊपर ही जाती है, उन्हें खुद के ऊपर जाती है कि इस वितराग की गद्दी पर भगवान आत्मा की बात करने वाला कोई यदि पात्र जी हुए तो उस समय के अंदर में श्रीमद जी स्वयं थे। ये ऐसे पुरुष थे जिन्होंने अपने जीवन के अंदर में जो रचनाएं लिखी उसके अंदर में आत्मसिद्धि शास्त्र के ऊपर में पूज्य गुरुदेव श्री का राजकोट के अंदर में विक्रम संवत 1995 के ऊपर प्रवचन हुए, जिसमें उसने पूज्य गुरुदेव श्री ने आत्मसिद्धि की जो स्पष्टता जो की है, आज के दिन में एक विरल अद्भुत रचना गुरुदेव श्री के मुखारविंद से आत्मसिद्धि संबंधी जो स्पष्टीकरण हुआ है वो अलौकिक है। आज तक आत्मसिद्धि का स्वाध्याय तो सभी जैन फिरकाओं के अंदर में होता है, लेकिन ऐसा अनुभवन करते हुए, ऐसा रसास्वादन करते हुए आत्मसिद्धि का हृदय को खोलने वाले एकमात्र पूज्य गुरुदेव श्री थे। पूज्य गुरुदेव श्री ने जो स्पष्टीकरण आत्मसिद्धि शास्त्र के संबंध में किया, जिसके अंदर में आत्म स्वभाव की स्पष्टता, समयसार परमागमों का हृदय उस आत्मसिद्धि के अंदर में भरा पड़ा है, पूज्य गुरुदेव श्री ने
अपने प्रवचनों के अंदर में खोला है। इतना ही नहीं, श्रीमद जी के 10 बोल स्वद्रव्य का रक्षक तोरा थी था, वो स्वद्रव्य का ग्राहक तोरा से था, वो इत्यादि जो 10 बोल है उसके ऊपर भी पूज्य गुरुदेव श्री ने प्रवचन किए। कब किए? कि जब गुरुदेव श्री के पसंदगी के 142 प्रवचन हुए, उस 142 प्रवचनों के अंदर में इस स्वद्रव्य के रक्षक और ग्राहक के ऊपर पूज्य गुरुदेव श्री ने प्रवचन किए। उन्हें गुरुदेव श्री के 10 बोल कितने प्रिय होंगे इसका अपन विचार कर सकते हैं। इतना ही नहीं, लेकिन गुरुदेव श्री का सुबह का जो नित्य क्रम था, सुबह उठ के वो जो अपना अंतरंग स्वाध्याय करते थे, जिसके अंदर में समयसार परमागम की कुछ गाथाएं, 47 शक्ति, 47 नए अव्यक्त के बोल इत्यादि का जो चिंतन करते थे, उसके अंदर में 10 बोल का भी नित्य नियमित 300 दिन 12 महीना उनका चिंतन करते थे। यहाँ तक कि अपूर्व अवसर गुरुदेव श्री को इतना प्रिय था कि जितने भी पंच कल्याणक हुए उस पंच का कल्याणक के अंदर में जब तीसरा दिन तप कल्याणक का दिन आता था, वैराग्य का दिन होता था, दीक्षा कल्याणक का, गर्भ कल्याणक, जन्म कल्याणक, तप कल्याणक, तप कल्याणक के दिन में वन जंगल में भगवान को दीक्षा के लिए ले जाया करते थे, और ले जाके जब वहाँ पे दीक्षा कल्याणक का प्रसंग होता था तो उस जंगल के अंदर में पूज्य गुरुदेव श्री का वैराग्य के ऊपर प्रवचन होता था। वो प्रवचन अपूर्व अवसर के ऊपर कोई ना कोई गाथा लेकर पूज्य गुरुदेव श्री उसके ऊपर प्रवचन करते थे। मैंने श्रीमद जी का स्थान गुरुदेव श्री के हृदय में क्या था इससे अपन को पता चलता है। तो अपने जीवन के अंदर में भी ऐसे ज्ञानी पुरुष के जीवन की कीमत को समझते हुए उनके जो पत्र जो है, एक से एक पत्र के अंदर में जो माल भरा पड़ा है वो सही में अद्भुत और अलौकिक है। यहाँ तक के सम्यक दर्शन के पूर्व पूज्य बहन श्री और पूज्य बहन शांताबेन दोनों के जीवन के अंदर में बाहर में गुरुदेव श्री की वाणी निमित्त थी और अपने एकांत के अंदर में श्रीमद जी का पत्रों का स्वाध्याय चिंतन निमित्त था, क्योंकि उस समय समय सार एक ही था जो गुरुदेव के हाथ लगा था और उस समय सार के ऊपर गुरुदेव का जाहिर में प्रवचन होता था और पूज्य बहन श्री और बहन उस समय प्रवचन सुनकर गुरुदेव श्री के वाणी का निमित्त और अंतरंग के अंदर में आत्मसिद्धि शास्त्र यानी कृपालु देव के पत्रों जिसके अंदर में टंकोत्कीर्ण किए गए हैं उसका स्वाध्याय उसको निमित्त बना था। तो एक ज्ञानी पुरुष जिसके जीवन की शैली अद्भुत से अद्भुत, इतने अल्प आयु के अंदर में जिस तरह से उसने अपने जीवन के अंदर में अध्यात्म को प्रखारित किया, मुखारित किया, प्रज्वलित किया, वो सही में इस युग के अंदर में एक अद्भुत उदाहरण है। इतना ही नहीं, उसने त्याग की भरी भाषा पत्रों के अंदर में ऐसा कहा कि पर पदार्थ साथेनो तादात्म अध्यास निवर्तो, इन्हें श्री जिन त्याग कहे छे। त्याग की परिभाषा पर पदार्थ के साथ में तादात्म अध्यास की निवृत्ति, उसको श्री जिन त्याग कहते हैं। मैंने एक एक परिभाषा उन्होंने जो दी है सही में अद्भुत से अद्भुत, अलौकिक से अलौकिक, और उनका जो साहित्यिक भाव जो था वो इतना सुंदर, इतना वजनी था, इतना अलौकिक था कि शब्दों के अंदर में उसकी बात कही नहीं जा सकती। ऐसे कृपालु देव के चरण कमल के अंदर में हम सभी मुमुक्षु समाज का, मुमुक्षु जगत का कोटि कोटि वंदन हो, अनंत अनंत वंदन हो। इतना ही कहते अपन के देह अच्छता जेनी दशा वरते देहातीत ते ज्ञानी न चरणमा हो वंदन गणित, हो वंदन गणित, हो वंदन गणित। अभी नियम सार जी परमागम कुनकुन आचार्य भगवान रचयिता पद्म प्रमल धारीदेव टीकाकार, आज सुबह में इस 38वीं गाथा का स्वाध्याय समाप्त होगा, लेकिन 38वीं गाथा समाप्त नहीं होगी। व्यवहार से भी और निश्चय से भी, व्यवहार से टीका के अंदर में 10 पंक्तियों में पद्म प्रमल धारीदेव ने इस कुनकुन आचार्य भगवान के मूल भाव को टंकोत्कीर्ण किया है। एक पूज्य गुरुदेव श्री का ये जो 34 नंबर का प्रवचन है वो समाप्त होने पर 5 लिटियों का अर्थ समाप्त होगा। अभी 5 लिटियों का अर्थ बाकी है, वो 5 लिटियों का अर्थ 35 नंबर और 36 नंबर प्रवचन के अंदर में है, जो आगे अपन क्रमश रखेंगे और किसी समय के किसी प्रोग्राम के वक्त। और ऐसे भी अज्ञानी से ज्ञानी होने के लिए, ज्ञानी से मुनि होने के लिए, मुनि से केवल ज्ञानी सिद्ध दशा को प्राप्त करने के लिए 38वीं गाथा का जो हृदय है
कि भगवान आत्मा स्वद्रव्य है और पर्याय जो है वो परद्रव्य है। इसी भावनाओं से, इसी दृष्टिकोण से, इसी लक्ष्य से जीव आगे बढ़ते हुए परिपूर्णता को प्राप्त होता है। तो 38वीं गाथा तो परिपूर्ण तभी ही होगी जब सबको केवल ज्ञान हो जाएगा। जिसको जिसको केवल ज्ञान हो जाएगा उसको 38वीं गाथा पूर्ण हो जाएगी। अपन इस भाव अभी तक जो दोहराए हैं उसके ऊपर विचार करें तो उसका अर्थ यह निकलता है कि पर्याय के प्रति का जो रस होता है वो ऐसी एक स्थिति है जो परिणाम को रसपूर्वक उसके ऊपर वजन जाता ही जाता है। जिसको परिणाम का रस हो उसका वजन परिणाम के ऊपर जाता ही जाता है। जब परिणाम के ऊपर रस जाता है तो स्वभाव को समझने का वो कितना भी प्रयत्न कर ले, लेकिन वो रस परिणाम के तरफ झुक जाता है और परिणाम के तरफ रस झुक जाने से स्वभाव कभी भी ऊर्ध्व नहीं होता। स्वभाव की चर्चा तो चलती है, स्वभाव के ऊपर विचार भी चलता है, चिंतन भी चलता है, लेकिन ऊर्ध्व नहीं हो सकता। परिणाम ही उसका ऊर्ध्व रहता है क्योंकि रस परिणाम का है। इसलिए सुगंधी साहब ने तो एक जगह पे परिणाम के रस को यमदूत कहा है, तो उसको यमदूत जानो। इसी आखिरी बात कह दी, क्योंकि उसके अंदर में आत्मा की हिंसा ही होती है, आत्मा का मरण ही होता है। पर हमने हमेशा शुद्धात्मा की बात, भगवान आत्मा की बात, परिणाम के रस पर, जिस परिणाम को आचार्य भगवान पद्म प्रमल धारीदेव मुनि भगवंत भावी तीर्थादिनाथ जिसको परद्रव्य कहते हैं उसी का रस हमने बनाए रखा। क्या तो कि सम्यक दर्शन करना है, क्या तो हमें मोक्ष पे जाना है, क्या तो हमें परिपूर्णता को प्राप्त करना है। ये जो रस जो है वो स्वभाव का जोर नहीं आने देता। जब स्वभाव का जोर ही नहीं आएगा, स्वभाव के ऊपर बल ही नहीं आएगा, तो प्रयत्न कितना भी कर ले वो सारे के सारे प्रयत्न निष्फल जाते हैं, सारे के सारे प्रयत्न निरर्थक होते हैं। तो अभी अपन को ये बात को समझना है कि अपने रस कहाँ पे है। परिणाम के ऊपर में रस है तो उसका अर्थ ये होता है कि संसार दशा में ही राग रस है, संसार दशा में ही राग रस है। और इस राग रस के अंदर में अनंत प्रयत्न करने के बावजूद भी द्रव्य ऊर्ध्व नहीं हो सकता। तो अपन को ये बात ये समझनी चाहिए कि यदि विचार करना है तो निर्विचार होने के लिए, यदि अपन को विचार भी करना है तो निर्विचार होने के लिए, और मिलना भी है तो फिर नहीं मिलने के लिए। ज्ञानियों को भी मिलना है, जिनवाणी को भी मिलना है, तो फिर आगे चल के नहीं मिलने के लिए मिलना है। इस अभिप्राय से यदि वो कार्य को किया जाए तो वस्तु की ऊर्ध्वता रहती है, स्वभाव की ऊर्ध्वता रहती है, और स्वभाव की ऊर्ध्वता के अंदर में स्वभाव का लक्ष्य आसानी से हो जाता है। मार्ग की सरलता यह है कि यदि पर्याय के अंदर में कार्य के अंदर में रस रखे और कारण को शोधे, यानी पर्याय का रस रखे, पर्याय का महत्व रहे, पर्याय की एकता रहे, और बात द्रव्य की करे, त्रिकाली की करे, ध्रुव परमात्मा की करे, तो उससे काम बनने वाला नहीं है। क्योंकि उसको तो चोट लगनी चाहिए कि मैं तो त्रिकाली ध्रुव परमात्मा हूँ। अब जब त्रिकाली ध्रुव परमात्मा हूँ, अपरिणामी हूँ, कुटस्थ हूँ, एक रूप हूँ, अनादि अनंत हूँ, तो फिर कौन से परिणाम का रस, कौन से परिणाम का रस? परिणाम मात्र जो परद्रव्य है, परिणाम मात्र जो मेरे में नहीं है, तो फिर उसका रस क्यों, उसका एकत्व क्यों, उसकी मिठास क्यों, उसका लक्ष्य क्यों? लक्ष्य तो होना चाहिए एक शुद्धात्मा के प्रति, एक द्रव्य दृष्टि के प्रति। जो भी आचार्य भगवान भी कहेंगे, मुनिराज भगवान भावी तीर्थादिनाथ भी अभी कहेंगे कि हमारा लक्ष्य कहाँ पर है, हमें पर्याय परांग पर्याय परद्रव्य क्यों है, उससे हम परांगमुख क्यों है, वो अभी वो कहेंगे 38वीं गाथा के अंतिम प्रकरण के समय में। तो अपन इस बात को समझने की कोशिश करें कि अपने जीवन के अंदर में महत्व किस बात का है, भगवान आत्मा का है कि सम्यक दर्शन का है। यदि सम्यक दर्शन मुफ्त में मिलने वाली व्यवस्था है, मोक्ष मुफ्त में मिलने वाली व्यवस्था है, धर्म मुफ्त में प्रकट होने वाली व्यवस्था है, लेकिन लक्ष्य यदि उसके ऊपर में रहा तो फल प्रकट नहीं हो सकता। द्रव्य स्वभाव का लक्ष्य हो तो आत्मा की अनुभूति यूं ही हो। द्रव्य स्वभाव का लक्ष्य का नाम ही सम्यक दर्शन है। तो सम्यक दर्शन तो मुफ्त में मिलता, ये धर्म के लिए किसी को प्रयत्न नहीं करना पड़ता, धर्म सहज में प्राप्त होता। आपका लक्ष्य यदि पर पदार्थ के ऊपर में है तो संसार दशा सहज में प्राप्त होती है, और लक्ष्य यदि द्रव्य के ऊपर में है तो मोक्ष दशा सहज में प्राप्त होती है। तो दोनों आपके परिणाम का और परिणाम के लक्ष्य का फल है। तो आपका लक्ष्य कहाँ पर रहना चाहिए? परिणाम का रस मिटकर अपरिणामी का रस होना चाहिए,
रूप परमात्मा तत्व में हूँ, ऐसी बात अपने अंतरंग के अंदर में हो तब ही द्रव्य में एकता होगी, और द्रव्य में एकता होगी तो अनुभूति होगी होगी और होगी। क्योंकि बात यह है ना कि जब तक वर्तमान पर्याय के अंदर में मैं पना रहता है तब तक त्रिकाली द्रव्य के अंदर में मैं पना नहीं हो सकता, और त्रिकाली द्रव्य के अंदर में मैं पना नहीं होगा तो फिर कितना भी प्रयत्न कर ले, अनंत काल का अनंत प्रयत्न, वो पंच महाव्रत 28 मूल गुण जो सब दुख के परिणाम है, जो संसार दशा के परिणाम है, कालकूट जेर है, पूज्य सुगनी साहब तो यहाँ कहते हैं जिस भाव से तीर्थंकर गोत्र बंधा है वो परिणाम नपुंसकता के है। तो ऐसी बात जब वो कहते हैं तो आप समझना चाहिए परिणाम कैसे भी अच्छे हो, कितने भी उत्कृष्ट हो, लेकिन उसके अंदर में मुनिराज को जिसको तीर्थंकर गोत्र बनता है उसकी तो दृष्टि द्रव्य के ऊपर में है, लेकिन वो जो परिणाम जो है, जो परिणाम के अंदर में शुभ भाव के अंदर में तीर्थंकर नाम कर्म बनता है, इस विश्व का कल्याण हो इस भावना के अंदर में तीर्थंकर नाम कर्म बनता है, वो भी परिणाम न पूछ सकता। मैंने स्वभाव के लक्ष्य से ऐसे परिणाम उत्पन्न नहीं होते, स्वभाव से च्युत होकर ये परिणाम उत्पन्न होते हैं। तो जो परिणाम स्वभाव से च्युत होकर उत्पन्न होते हैं वह नपुंसकता के परिणाम है। उसको ये बात समझ में आनी चाहिए कि सच्चे देवशास्त्र गुरु जो है भगवान आत्मा की अपेक्षा से अनायतन है। कहा गया आयतन, लेकिन त्रिकाली ध्रुव परमात्मा की अपेक्षा से देवगुरु शास्त्र अनायतन है। अनायतन है माने तिरस्कार करने योग्य, बहिष्कार करने योग्य, द्वेष करने योग्य, ऐसा नहीं होता। उसके लक्ष्य से हमारा हित नहीं होगा, हित होगा अपने त्रिकाली ध्रुव परमात्मा की दृष्टि से, त्रिकाली ध्रुव परमात्मा के लक्ष्य से। तो बात त्रिकाली ध्रुव परमात्मा की है, उसके अहम की है, उसके एकत्व की है, उसकी महिमा की है, उसकी गुणगाथा की है, उसकी दृष्टि की, उसकी नज़र की है। आज तक ये बात यदि उसको समझ में आ जाए कि परिणाम मेरा आलम्बन लेती है, मैं नहीं, जो परिणाम मेरा आलम्बन लेती है मैं नहीं लेता, मैं तो निरालम्बन तत्व हूँ। अब जब मैं निरालम्बन तत्व हूँ तो आलम्बन नाम का कोई स्वभाव ही मेरे में नहीं है, तो मैं किसका आलम्बन लूँ? आलम्बन लेना मेरा स्वभाव, मैं निरालम्बन तत्व, मैं निरालम्बन ध्रुव परमात्मा हूँ। आलम्बन लेना पर्याय का स्वभाव है, चाहे पर का आलम्बन ले चाहे स्व का आलम्बन ले, पराश्रित परिणाम या स्व आश्रित परिणाम, ये आलम्बन का स्वभाव पर्याय का है, और ये पर्याय हमारे लिए परद्रव्य है। जब पर्याय परद्रव्य समझ में आता है तब फिर उसके ऊपर से दृष्टि हट जाती है। मुनिराज भी पर्याय के ऊपर से दृष्टि को हटाते हुए द्रव्य स्वभाव का लक्ष्य करते हुए कहते उस आत्मा के अंदर में हमारी तीक्ष्ण बुद्धि है। अब कैसी तीक्ष्ण बुद्धि है, ये बात को यदि अपन मुनि महाराज के मुखारविंद से सुनेंगे तब ये बात का पता चलेगा कि वस्तु कितनी सुंदर है, कितनी अद्भुत है, कितनी अलौकिक है। इस बात को समझने का अपन यदि प्रयत्न करें तो वस्तु की व्यवस्था स्पष्ट हो जाती है। आज तक वस्तु की व्यवस्था स्पष्ट नहीं हुई, उसका यदि कारण देखा जाए तो अपन भगवंतों की, ज्ञानियों की, चाहे कृपालु देव, चाहे गुरुदेव, चाहे मुनि भगवंतों, चाहे आचार्य भगवंतों, किसी की बात ही सुनते नहीं है। सुनते नहीं है माने सुनते हैं, रुचि से नहीं सुनते, रुचि से सुनते हैं लेकिन यथार्थ रुचि से नहीं सुनते। माने यथार्थ रुचि उसको कहते हैं जिस बात को सुनकर निर्णय हो जाए, पक्का निर्णय हो जाए कि मैं ऐसा ही हूँ, इसका लक्ष्य छोड़ने योग्य है, इसका लक्ष्य होने योग्य है। उसे बात यदि समझ में आ जाए तो लक्ष्य भी स्वभाव की महिमा में लक्ष्य होता है, करना नहीं पड़ता। मैं त्रिकाली ध्रुव परमात्मा हूँ ऐसी इसकी महिमा आती है तो लक्ष्य हो जाता है। देखिए क्या कहते हैं मुनि महाराज, क्या कहते हैं 27 नंबर के पृष्ठ में ऊपर से पांचवी लिटी है, त्रिलोकनाथ की प्रवचन ध्वनि दिव्य ध्वनि यह आई है। क्या आई है कि आत्मा को वास्तव में आत्मा उपाधेय, यह दिव्य ध्वनि में आया प्रभु। इसे समझना अपना आग्रह छोड़कर, जो पक्ष को मानता है उसे छोड़कर यह समझना यह अलौकिक बात है। पूज्य गुरुदेव श्री यह बात को स्पष्ट करते हैं, कहते हैं कि पंच महाव्रत वह दुख है, 28 मूल गुण और पंच महाव्रत तो दुख है, और संवर निजरा सुख है, तो भी उसे परद्रव्य कहकर परद्रव्य से जो परांगमुख है ऐसा कहते हैं। दुख से तो परांगमुख हूँ परंतु अपनी पर्याय में संवर निजरा की आनंद की दशा उत्पन्न हुई है, समर निजरा के आनंद की दशा उत्पन्न हुई है, वह भी परद्रव्य है, मेरे लक्ष्य से वह परांगमुख है।
मेरा लक्ष्य जहाँ पे है उससे वो परांगमुख है। ये महामुनिराज जगत के भव्य जीवों को, आसन भव्य जीवों को, भरक्षत्र के पवित्र जीवों को, जिसका अल्पकाल में मुक्ति होने वाले हैं, उसको अपनी स्थिति बताकर उस मार्ग में चलने का उपदेश दे रहे हैं, आदेश दे रहे हैं। मेरी दृष्टि सुख से मैंने समर निद्रा के परिणाम जो सुख रूप परिणाम जिससे आनंद प्रवाहित होता है, आनंद का जन्म बारंबार प्रत्येक समय होते चला जाता है, उससे भी मेरा लक्ष्य परांगमुख है। मैंने उसके ऊपर मेरी दृष्टि नहीं, मेरी दृष्टि कहाँ पर, देखिए सुनिए, और स्वद्रव्य त्रिकाली मेरा नाथ प्रभु विराजते हैं वहाँ पर मेरी दृष्टि है। और स्वद्रव्य ये पर्याय है परद्रव्य, और स्वद्रव्य कौन है, तो त्रिकाली मेरा नाथ, त्रिकाली मेरा नाथ प्रभु विराजता है वहाँ पर मेरी दृष्टि है। अद्भुत से अद्भुत बात, कहाँ से दृष्टि नहीं होना और कहाँ पर दृष्टि होना, उसके मुनिराज बात कहकर यह कहते हैं कि प्रभु तो अभी गुलाट खा, देखिए उसी पैराग्राफ में नीचे से तीसरी लिटी है, गुलाट खा जाए, गुलाट खा जाए, ऐसी दृष्टि पर्याय के ऊपर है तो द्रव्य के ऊपर ले जा, गुलाट खा जा, अभी गुलाट खाना है प्रभु, तेरी दृष्टि पर्याय के ऊपर कुछ नहीं करना, गुलाट खाना है, ऐसी दृष्टि कर देना, ऐसी दृष्टि है, ऐसी दृष्टि कर देना, गुलाट खा जाए, खाली गुलाट खाना, दृष्टि द्रव्य के ऊपर चली जाए, पर्याय को दृष्टि छोड़कर द्रव्य की दृष्टि कर ले। पर्याय की दृष्टि छोड़ने का मतलब मैं द्रव्य हूँ ऐसी दृष्टि हुई, उसका मतलब पर्याय की दृष्टि छोड़ दी। छोड़ने का विधान भी बहुत सलाह, वहाँ से आपको हटना है, हटना है, हटना है, स्वभाव के ऊपर आना है, ये समझाने के लिए होता है। बात तो यह होता है कि जो पर्याय उत्पन्न हुई उसके अंदर में मैं परमात्मा हूँ ऐसा अभिप्राय से उत्पन्न हुई तो द्रव्य का लक्ष्य हो गया, गुलाट खा ली, पर्याय से हट गया और द्रव्य पे जम गया। ऐसी अद्भुत से अद्भुत स्थिति आचार्य भगवंतों ने, महामुनि राजों ने अपने स्वरूप के अंदर में केली करते करते अत्यंत करुणा से कहते हैं कि ले जा वहाँ पर, कहाँ पे ले जा, ऐसी दृष्टि पर्याय के ऊपर है तो द्रव्य के ऊपर ले जा। जिसकी दृष्टि द्रव्य के ऊपर है उसको उपदेश नहीं है, जिसकी दृष्टि द्रव्य के ऊपर है वो तो द्रव्य के ऊपर है, लेकिन जिसकी दृष्टि पर्याय के ऊपर है उससे द्रव्य के ऊपर ले जा। वो ये नहीं कहते कि पर्याय से दृष्टि हटा ले, उसको द्रव्य के ऊपर गुलाट खा जा, गुलाट खाना, गुलाट खाना मने स्वभाव के ऊपर आ जाना, स्वभाव के ऊपर आ जाना, मैं परमात्मा तत्व उसके ऊपर आ जाना, मैं परमात्मा तत्व मन में परिपूर्ण परमात्मा ऐसा लक्ष्य कर प्रभु। कितनी अद्भुत वस्तु है, कितना अद्भुत व्यवस्था है, कितना अपना अद्भुत स्वभाव है, परिपूर्ण परमात्मा वर्तमान के अंदर में विद्यमान है, उसकी दृष्टि करना। जब उसकी दृष्टि करेगा तो परिपूर्ण परमात्मा की अनुभूति, ये सरल मार्ग है प्रभु, कोई कठिनता नहीं है इसके अंदर, खाली गुलाट खाने की बात है, दृष्टि हटाने की बात है, दृष्टि हटाने की भी बात नहीं, मैं परमात्मा वैसी दृष्टि होती है तो पर्याय के ऊपर से दृष्टि हट गई तो उसने दृष्टि वहाँ से हटाई और स्वभाव के ऊपर ले गया, ऐसा समझाने में आता है, ले जाने की बात है सीधी, गुलाट खाने पर द्रव्य के ऊपर दृष्टि ले जाने की बात है, और द्रव्य की दृष्टि ले जाने का मतलब ये होता है कि मैं द्रव्य हूँ, मैं द्रव्य हूँ ऐसी दृष्टि होते ही स्वभाव के ऊपर वो जम जाता है बिल्कुल, एक समय नहीं लगता उसके अंदर में। अंतर्मुहूर्त में गुरुदेव को प्रश्न पूछा गया, अंतर्मुहूर्त में होता है, गुरुदेव कहते हैं एक समय में होता है। फिर कहते हैं कि ठीक है, कोई जीव ऐसा भी हो तो उसको अधिक से अधिक 6 मास का समय लगता है, वो चर्चा 73 गाथा के अंदर में चलेगी शाम को। अभी तो ये 38वीं गाथा का पूज्य गुरुदेव श्री का आज का जो प्रवचन यहाँ तक जो चला है उसके संक्षिप्त हृदय को अपन देखते हैं। आगे के प्रश्न के अंदर में उसी नेक्स्ट पैराग्राफ में कहते हैं आत्मा, ऐसे आत्मा को, आत्मा वास्तव में उपाधि है, आत्मा ऐसे आत्मा को आत्मा वास्तव में उपाधि है। पहले कहा था वास्तव में उपाधि नहीं है, क्या उपाधि नहीं है, पर्याय जो है वास्तव में उपाधि नहीं है, 7 तत्वों का समूह वास्तव में उपाधि नहीं है, और यहाँ पे आत्मा को आत्मा वास्तव में उपाधि, आत्मा ऐसे आत्मा को आत्मा वास्तव में उपाधि, आत्मा को आत्मा उपाधि है, यानी परिणाम को अपरिणामी उपाधि है, यानी सक्रिय को निष्क्रिय उपाधि है। ये बात समझने योग्य है प्रभु, पर्याय को पर्याय उपाधि नहीं है, पर्याय को पर्याय है ही है, 7 तत्वों का समूह जब है ही है तो कौन है, 7 तत्वों का समूह होता कहाँ पर है, पर्याय के अंदर में, पर्याय को पर्याय है ही है, पर्याय को द्रव्य उपाधि है, यानी आत्मा को पर्याय भी चेतनता है, उसमें चेतना है, तो उस आत्मा को त्रिकाली आत्मा उपाधि है, क्षणिक पर्याय रूपी आत्मा को त्रिकाली ध्रुव रूपी आत्मा उपाधि है, वास्तव में उपाधि है, सही में उपाधि है, खरेखर उपाधि है,
प्रभु खरे खर का मतलब ये होता है कि वास्तविकतया जो त्रिकाली ध्रुव परमात्मा है उसी को आत्मा कहते हैं। व्यवहार आत्मा को निश्चय आत्मा उपाधि है। व्यवहार आत्मा को निश्चय आत्मा उपाधि प्रभु ये समझ ले इस बात को। जब ये बात समझ में आ जाती है तो दृष्टि द्रव्य के ऊपर चली जाती है। बात को इसमें समझना है और समझ के निर्णय करना, और निर्णय करते वस्तु के ऊपर, वस्तु द्रव्य के ऊपर चली जाती है। अभी देखिए उसका हृदय भी बताएंगे उसका कारण क्या है। देखिए उसके बाद वाले पृष्ठ के अंदर में नीचे से दूसरा पैराग्राफ, प्रभु यहाँ ऐसा कहते हैं जैसे आत्मा को आत्मा वास्तव में उपाधि है। अब जरा सूक्ष्म बात है, आत्मा को आत्मा, क्योंकि आत्मा कैसा है कि गुण का भंडार। तो देखिए उसके ऊपर के पैराग्राफ नीचे अंतिम दो लिटी है, गुण का भंडार प्रभु तू महारत्न है, चैतन्य रत्नाकर है, चैतन्य रत्न का समुद्र सागर भरा है। देखिए गुरुदेव श्री कितनी महिमा गाते हैं चैतन्य रत्नाकर की, चैतन्य रत्नाकर, चैतन्य भंडार, चैतन्य का सागर, गुणों रत्नों का सागर, चैतन्य रत्न का समुद्र सागर भरा है, उसके ऊपर दृष्टि कर प्रभु। अभी यहाँ पे ऐसे कहते हैं इस आत्मा को आत्मा वास्तव में उपाधि है। अब जरा सूक्ष्म बात, औदयिक आदि चार भावांतरों को अगाचर होने से ऐसा क्यों कहा, आत्मा को आत्मा उपाधि ऐसा क्यों कहा? क्योंकि जो विशेष आत्मा है उसको सामान्य उपाधि ऐसा क्यों कहा? विशेष मन परिणमते आत्मा को अपरिणामी ऐसा त्रिकाली आत्मा उपाधि ऐसा क्यों कहा? क्योंकि उस परम पारिणामिक भाव रूपी आत्मा को छोड़कर चार भाव है, उदय भाव, उपसम भाव, क्षेत्रम भाव और सायिक भाव। ये चार भावों को भगवान आत्मा अगोचर है। इस चार भावों का आश्रय लेने से भगवान आत्मा की अनुभूति नहीं होती है। उदयिक भाव तो उदय भाव है, संसारिक भाव है, वो तो आत्मा में है ही नहीं। लेकिन उपसम, स्वयंसम और सायिक भाव जो है, जो संकेत के परिणाम है, जो आत्मा की अनुभूति के परिणाम है, उससे भी अगम्य है, अगोचर है। क्योंकि भावांतर अन्य भाव है, परम पारिणामिक भाव से चार भाव अनेरा भाव है, अन्य भाव है, भिन्न भाव है। तो भिन्न भाव होने से उसके आश्रय से आत्मा की अनुभूति नहीं होती, उस भाव में होती है। उपसम भाव के अंदर में आत्मा की अनुभूति होती है, उसमें आत्मा गम्य है, उपसम भाव में गम्य है, सायिक भाव में गम्य है। लेकिन उसके लक्ष्य से, उसके आश्रय से, उसके आधार से भगवान आत्मा अगम्य है, अगोचर है, उससे भगवान आत्मा की अनुभूति नहीं होती। हमने अनादिकाल से जो चार भाव जो है, एक कर्मकृत भाव है, कर्म सापेक्ष भाव है, और कर्मकृत भाव, कर्म सापेक्ष भाव से त्रिकाली ध्रुव परमात्मा परम पारिणामिक भाव का लक्ष्य नहीं हो सकता। ये पूरा प्रवचन के अंदर में पूज्य गुरुदेव श्री ने समझाया। अभी हम कोई कोई अंश गुरुदेव श्री के शब्दों में लेकर इस बात को अपन देखते हैं। देखिए बात बहुत सुंदर है और न्याय से, तर्क से, लॉजिक से, युक्ति से गुरुदेव ने सिद्ध की है कि ये जो चार भाव जो है, उदय भाव, उपसम भाव, क्षेत्रम भाव, सायिक भाव, ये कर्मकृत भाव है, कर्म सापेक्ष भाव है, कर्म की उदय के, कर्म के अनुदय के, या कर्म के अभाव की अपेक्षा रखने वाले भाव है। तो कर्म के उदय, कर्म के अनुदय, कर्म की अभाव की अपेक्षा रखने वाले जो भाव है वो कर्मकृत भाव है, कर्म सापेक्ष भाव है। कर्म सापेक्ष भाव है उससे भगवान आत्मा परम पारिणामिक भाव है, वो निराला है, जुदा है, अलग है। देखिए वही गुरुदेव श्री कहते हैं, क्या कहते हैं, दयादान के जो विकल्प उठते हैं वह उदय भाव है, उसमें आत्मा ज्ञात नहीं होता, अगोचर है उनमें, अगोचर एक बात, उपसम भाव, उपसम भाव के आश्रय में जानने में नहीं आता। उदय भाव हो तो संसार भाव है, उसकी तो चर्चा ही नहीं है, वो बात तो आप छोड़ दो। लेकिन उपसम भाव है, उपसम भाव जो है उसके आश्रय से जानने में नहीं आता। यदि आप उपसम भाव प्रकट हुआ, उस उपसम भाव का आश्रय करोगे तो विकल्प उत्पन्न होगा, उस उपसम भाव के आश्रय से निर्विकल्पता नहीं होगी। निर्विकल्प स्वभाव के अलग से पुनः निर्विकल्पता होगी, त्रिकाली द्रव्य स्वभाव के अलग से पूर्व निर्विकल्पता होगी। लेकिन उपसम भाव का आश्रय, सम्यक दर्शन की पर्याय प्रकट हुई, उस सम्यक दर्शन की पर्याय से पुनः सम्यक दर्शन नहीं होता, सम्यक दर्शन की पर्याय के लक्ष्य से विकल्प ही उत्पन्न होता है। तो देखना कहाँ पर है, परम पारिणामिक भाव, उपसम भाव के आश्रय से सम्यक दर्शन यानी कि आत्मा जानने में नहीं आता। देखिए
स्पष्ट आश्रय से जानने में नहीं आता, उपसम भाव से जानने में आता है। उपसम भाव जब उपसम भाव प्रकट हुआ उससे जानने में आता है, परंतु उपसम भाव के आश्रय से जानने में नहीं आता। उपसम भाव से जानने में आता, उपसम भाव के आश्रय से जानने में नहीं आता। यानी उपसम भाव का अवलंबन ले तो उस अवलंबन से भगवान आत्मा की अनुभूति नहीं होती, क्योंकि चार भाव जो है सावरण भाव है, आवरण सहित के भाव है। जो आवरण सहित के भाव है वो सावरण भाव है, और परम परिणामिक भाव जो है वो निरावरण भाव है। तो निरावरण भाव के लक्ष्य उपसम से उपसम सायिक भाव का जन्म होता है, लेकिन उपसम भाव के आश्रय से एक सहपसम भाव के आश्रय से एक सायिक भाव के आश्रय से भगवान आत्मा जानने में नहीं आता। ये बात यदि एक बार समझ में आ जाए ना, तो ये उपसम भाव की सहपसम भाव की एक सायिक भाव की जो भावना है ना, वो भावना समाप्त हो जाए। आज के दिन में क्या सम्यक दर्शन की भावना पाते हैं अपन, ये सम्यक दर्शन की भावना है, मिथ्या दर्शन की भावना है। प्रभु कड़ी बात है, थोड़ा आकरा मत लगाना, आकरी मत लगाना, बात को समझने की कोशिश करना है। पर्याय की प्रीति है, सम्यक दर्शन का रस, सम्यक दर्शन की प्रीति, सम्यक दर्शन का एकत्व, ये मिथ्या दर्शन को प्रकट करता है। क्योंकि परिणाम का प्रेम है, अब कौन सा परिणाम है बात नहीं है, प्रेम किसका है, परिणाम का। अब जब परिणाम का रस होगा ना, तो जितनी भी मात्रा में परिणाम का रस हो उतनी मात्रा में द्रव्य का रस कम होगा। अब उतनी मात्रा में द्रव्य का रस कम होगा तो जो द्रव्य के ऊपर पूरा जोर आना चाहिए वो जोर नहीं आएगा। अब जब द्रव्य के ऊपर जोर नहीं आएगा तो फिर मैं परमात्मा ये लुखी बात होगी, रस सबर बात नहीं होगी। रस सबर बात हो तो उसके ऊपर वजन आवे, और लुखी बात हो तो बस वो बोलना होता है, मानना नहीं होता। क्योंकि मानने के अंदर में सर्वसमर्पणता होती है, और सर्वसमर्पणता तो मैं कथनचित परमात्मा हूँ और कथनचित रागी हूँ ऐसा होता है, या कथनचित परमात्मा और कथनचित हमें सम्यक दर्शन चाहिए, एक कौन सी बात बनेगी, कोई बात ही नहीं बनेगी। अरे पर्याय की प्रीति और पर्याय की रस 100% कहलाएगी। देखिए आत्मा की अनुभूति नहीं होती, उसका यदि कारण को देखा जाए तो दोष बहुत अल्प दोष है, बहुत छोटा सा दोष है। दोष इतना ही है कि वस्तु की व्यवस्था को नहीं समझता। उदय भाव, उपसम भाव, स्वयंसम भाव और सायिक भाव, सायिक भाव से भी अगोचर है। अगोचर का अर्थ चार भावांतर, भावांतर अर्थात अपना जो स्वरूप भाव है, परम परिणामी ज्ञायक भाव है, उससे भावांतर, उस भाव से चार अन्य भाव, परम पारणामिक भाव से जो चार भाव है वो अन्य भाव है, अनेरा भाव है, जुदा भाव है, भिन्न भाव। और मेरा भाव जो है वो परम पारणामिक भाव है। देखो कहा अपना जो स्वरूप भाव है वो परम पारणामिक भाव, ज्ञायक भाव है, स्पष्ट है ना प्रभु। एक कथन है, प्रतिपादन है, वस्तु व्यवस्था अत्यंत स्पष्ट है। वे चार भाव है, ये भावांतर, भाव अंतर, परम पारिणामिक भाव से उस भाव का अंतर है, भिन्नता है, जुदाई है, कि वो परिणमते भाव है, बदलते भाव है, पलटते भाव है, और उस परिणाम के लक्ष्य से विकल्प होगा, परिणाम के लक्ष्य से दुख होगा, फिर उस परिणाम के अंदर में पंच महाव्रत के भाव हो तो भी दुख होगा, और उपसम भाव का लक्ष्य होगा तो भी दुख ही होगा, क्योंकि विकल्प उत्पन्न होगा। ज्ञानियों को उसके ऊपर लक्ष्य नहीं होता, ज्ञानियों को तो पता है कि परम पारिणामिक भाव हो मेरा ज्ञायक भाव है, अपना ज्ञायक भाव है, और उससे लक्ष्य आनंद बरसते रहता है, सवर निजरा होते रहता है, सवर निजरा से उदासीन भी होते रहते हैं और सवर निजरा बरसते भी रहता है। ज्ञानियों की मुनियों की स्थिति ऐसी होती है। देखिए भावांतर का अर्थ क्या किया, कि अपना जो त्रिकाल स्वभाव भाव है उससे अन्य भाव, वो अन्य दूसरे है, उन्हें यह चार भावांतर अपने भाव से अन्य भाव कहा है। बात तो प्रभु समझना होगा ना, वस्तु की स्थिति समझनी होगी। ये तो देखिए वस्तु की व्यवस्था है। अभी यदि आप नहीं मानो तो कोई जबरदस्ती तो कोई करा नहीं सकता, क्योंकि मानना भी अपने को है और नहीं मानना भी अपने को है। अभी मानना नहीं मानना नहीं मानने वाले के हाथ में भी नहीं है, क्योंकि उसके परिणाम की योग्यता जिस प्रकार की होगी उस तरह से वो परिणमेगा। तो इसलिए उसके ऊपर भी द्वेष मत करना प्रभु, उसको भी भगवान आत्मा देखना, क्योंकि वो भी सही माने में परिणाम के पीछे जो द्रव्य पड़ा है, भरा पड़ा है भगवान आत्मा में, सबके अंतरंग में ज्वाजल्यमान हाजरा हजूर है। तो पर्याय से किसी को मत देखना, सबको द्रव्य स्वभाव से देखना। और गुरुदेव का, आचार्य भगवंतों का, मुनि भगवंतों का जो उपदेश है
वो सामने रखना, उसकी ही चर्चा करना। समझने वाले समझे तो उसका भला, नहीं समझने वाला नहीं समझे तो उसका भी भला। अपने को तो अपना स्वाध्याय करना है, अपनी वह बात को, अपने विश्वास को, अपनी समझ को ज़्यादा मजबूत करना है। तो किसी को सुनाने के लिए नहीं सुनाना, अपने आत्महित को प्रबल करने के लिए, स्व स्वाध्याय के लिए स्वाध्याय करना, जिसके अंदर में अपना आत्मा उर्ध्व हो, अपना आत्मा आगे चले, अपने आत्मा आगे बढ़े और अपना आत्मा की मजबूताई बढ़े, इससे स्वाध्याय करना है। क्योंकि हमें किसी को समझाने की आवश्यकता नहीं है। पूज्य गुरुदेव श्री ने पूरे शासन की जिम्मेदारी लेते हुए अकेले हाथ से शासन को ज्वाजल्यमान किया है। तो आज यदि कोई जीव भी समझता है तो अपनी योग्यता से समझता है, नहीं समझता है तो उसकी योग्यता से नहीं समझता। इसलिए किसी के ऊपर राग द्वेष के परिणाम ना करते हुए सभी भगवान आत्मा है उसी दृष्टि से सबको देखना। उस दृष्टि से जब देखा जाएगा तो सभी भगवान दिखेंगे। जब भगवान दिखेंगे तो अपनी दृष्टि अपने अंतरंग में चली जाएगी, अपने अंतरंग में चली जाएगी तो अपन आगे बढ़ते चले जाएंगे, गुरुदेव के पूठे पूठे चले जाएंगे। जब गुरुदेव के पूठे पूठे चले जाएंगे तो मूक समाज तो कोई आज तो कई शाम को, तो कई कल सुबह, तो कई कल शाम को, कोई परसों दिन, कोई तरसों दिन, कोई 5-15 दिन बाद, कोई महीना दो महीना बाद, कोई 6-12 महीना के बाद, कोई एकाध दो होंगे। सभी उस समुदाय के अंदर में मिलने वाले हैं, साथ में चलने वाले हैं। इसलिए प्रभु अपनी बात को प्रबल करना। देखिए उसके बाद वाले प्रश्न में 29 नंबर के प्रश्न के अंदर में भी अंतिम जो पैराग्राफ है उसके अंदर में औदयिक आदि चार भावांतरों को नीचे लिखा है। भावांतर माने अन्य भाव, भावांतर है ना, अन्य भाव अर्थात अपना पारिणामिक त्रिकाली स्वभाव ज्ञायक से चार अन्य भाव है, चारों भाव अन्य है। जैसे सात तत्वों को परद्रव्य का, वैसे ये चार भी निश्चय से परद्रव्य है। देखिए प्रभु ये पद्म प्रमल धारी देव भावी तीर्थाधिना जिसको सत्य बोलने की प्रतिज्ञा है, जो अल्प काल के अंदर में एकावतारी होकर तीर्थंकर हो जाएंगे, ऐसे मुनिराज जो बात कहते हैं उसका हृदय गुरुदेव श्री, वो भी जो भावी तीर्थाधिनाथ है, चार भाव के अंदर में मोक्ष में चले जाएंगे तीर्थंकर होकर। दूसरे भाव में जिसके पिता तीर्थंकर होंगे स्वयं तीर्थंकर के पुत्र होंगे, चौथे भाव में स्वयं तीर्थंकर होकर मोक्ष में जाएंगे। ऐसे गुरुदेव श्री अपने को कहते हैं कि जैसे सात द्रव्य को परद्रव्य का, वैसे ये चार भाव भी निश्चय से परद्रव्य है। देखिए मैं आप गुरुदेव को पढ़ लेना अच्छी तरीके से, मैं पंक्ति पंक्ति नहीं पढ़ता हूँ क्योंकि अपना उतना समय नहीं है अपने पास में, लेकिन ये पंक्ति पंक्ति पढ़ने योग्य है। क्योंकि जब तक अपना स्वभाव की निश्चलता नहीं आएगी, स्वभाव की अचलता समझ में नहीं आएगी, तब तक स्वभाव की परिपूर्णता नहीं समझ में आएगी तो दृष्टि उसके ऊपर नहीं जाएगी, क्योंकि विश्वास नहीं हो। जब परिपूर्णता का विश्वास हो तब दृष्टि द्रव्य के ऊपर जा सकते हो, जब दृष्टि द्रव्य के ऊपर जाती तो अनुभूति होती है। तो मार्ग तो इतना सा है प्रभु, इसके बाहर नहीं है। आपको सात तत्वों को और चार भाव को निश्चय से परद्रव्य है ऐसा माना, माना सात द्रव्य के अंदर में सही माने में देखा जाए तो चार भाव समा जाते हैं। देखिए गुरुदेव श्री कहते हैं ये सात तत्वों में आ गया, ये चार भाव निश्चय से परद्रव्य है, ये सात तत्वों में आ, क्योंकि चार भाव भी सात तत्वों में से ही है। भावांतर माने अन्य भाव, अपने त्रिकाली ज्ञायक वो प्रभु, उसमें चार भाव अन्य है। ये चार भाव की व्याख्या हुई, उदयिक, औपशमिक, सहोपशमिक और सायिक। ये चार भाव परम पारिणामिक भाव से अन्य होने के कारण, परम पारिणामिक ज्ञायक भाव जो है उनसे ये चार भाव अन्य है। द्रव्य स्वभाव जो शुद्ध चिदानंद प्रभु है उस भाव से ये सायिक भाव भी अन्य है। परम पारिणामिक भाव जो है उससे एक सायिक भाव जो है वो भी अन्य है। मैंने परम पारिणामिक योग से सायिक भाव, चाहे सायिक सम्यक दर्शन हो, चाहे सायिक केवल ज्ञान हो, ये भगवान आत्मा से अन्य भाव है, अनेरा भाव है, भिन्न भाव है, जुदा भाव है प्रभु। वस्तु मैं तो परम पारिणामिक भाव निर्विकल्प मात्र वस्तु हूँ। देखिए अंतिम पृष्ठ के अंदर में अंतिम पैराग्राफ है कारण परमात्मा का। जब ये चार भाव से अगम्य है ऐसा शब्द जो लिया ना, तो कहते त्रिकाली स्वभाव का आश्रय करने से गम्य है। त्रिकाली स्वभाव जो है उसका आश्रय लेने से गम्य है और चार भाव का आश्रय लेने से अगम्य है, अगोचर है, दिखता नहीं है, अनुभूति में नहीं आता है, उससे विकल्प उठता है। अब ये कहते हैं यहाँ त्रिकाली आत्मा को कारण परमात्मा कहा है। कारण परमात्मा क्योंकि उसके आश्रय से कार्य होता है, ये नियम वाली बात है। त्रिकाली भगवान आत्मा वो कारण परमात्मा है, उसके आश्रय से बने। जब पर्याय ये कहती है कि मैं कारण परमात्मा हूँ, मैं त्रिकाली ध्रुव परमात्मा हूँ, तो त्रिकाली ध्रुव परमात्मा को कारण परमात्मा कहते हैं।
उसके आश्रय से ये बात आत्मा की अनुभूति होती है, कार्य होता है, गारंटी है बिल्कुल। कारण परमात्मा के आश्रय से कार्य होता है, उसकी गारंटी है। ये प्रश्न भी गुरुदेव के समय वीरजी भाई के लड़के थे त्रिभुवन भाई राजकोट में, उसने गुरुदेव श्री को यह पूछा, ये कारण परमात्मा है, कारण परमात्मा कहते हो लेकिन कार्य तो आना चाहिए ना, अब जब कारण है तो कार्य आना चाहिए ना। तो गुरुदेव श्री कहते किसको, जो माने उसको कि जो न माने उसको, ऐसी प्रतीति होनी चाहिए ना, मैं परमात्मा हूँ, ऐसी प्रतीति हो तो कारण बनता है, यदि प्रतीति नहीं हो तो कारण कैसे बने। तुझे प्रतीति लानी होगी, विश्वास करना होगा, श्रद्धान करना होगा कि मैं परमात्मा हूँ। सभी जीव स्वभाव से ही परमात्मा है, परमात्मा है, परमात्मा हूँ, ऐसा ज्ञान श्रद्धान करके सादी अनंत काल अपने परमात्मा स्वभाव में रह जाए, ऐसी मंगल भावना करते हुए 35 नंबर और 36 नंबर का पूज्य गुरुदेव श्री का इसी गाथा के ऊपर में जो प्रवचन है अपन आगे लेंगे। जय जिनेन्द्र। ओहो।